वहीं 1971 भारत पाक युद्ध के हीरो महावीर चक्र और फख्र हिंद विजेता संत सैनिक मेजर जनरल हरप सिंह की समाधि को नगर निगम देहरादून द्वारा सील किए जाने के विरोध को लेकर बड़ी रैली का आयोजन किया गया। रैली में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड के लोग बड़ी संख्या में शामिल थे। रैली में सभी वक्ताओं ने एक सुर में राज्य सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की और कहा कि देश की जनता सैनिकों के अपमान को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने जनरल हरप सिंह की समाधि को तत्काल खोले जाने की मांग रखी। मेरा नाम कुंवर राजेंद्र सिंह नरूका है, क्षत्रिय वीर ज्योति मिशन का मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ। ये मेरे साथ भवन सिंह जी रेटा है, जय राजपूताना संघ के संस्थापक हैं। जनरल हरप सिंह जी के बारे में जैसा मुझसे ज़्यादा आपको पता होगा क्योंकि आप स्थानीय हैं, वो न केवल एक जनरल थे बल्कि एक संत थे और उस व्यक्ति ने पाकिस्तान की फौज को रोककर बांग्लादेश के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाई। और आज दुष्परिणाम ये है, जो सरकारें संस्कृति की, सैनिकों की, संतों की रक्षा के नाम पर केंद्र में और स्टेट में बैठी हैं, उन सरकारों के होते हुए उनकी समाधि सील कर दी गई। उन लोगों ने उस समाधि पर बड़े ही मूर्खतापूर्ण तरीके से ताला लगवाया, चाबी अपनी जेब में रखी, गौशाला को तुड़वाया, गौशाला के जो थान है उसको तुड़वाया। ये संतों का अपमान है, जनरल का अपमान है। कोई ये ना समझ ले कि जनरल हरप सिंह राजस्थान की मरुभूमि में पैदा हुए थे, यहाँ उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। इस बात को भूल जाएं, जनरल हरप सिंह राजस्थान के नहीं पूरे देश के हैं। और हम यदि इस समाधि को तुरंत नहीं खोला गया सरकार द्वारा, तो उनकी जन्मभूमि से लेकर समाधि स्थल तक एक विशाल रैली, जनयात्रा निकालकर यहाँ आएंगे। उससे पहले या तो सरकार खोल दे, नहीं हम खोलने के लिए मजबूर होंगे। देखिए, ये देश भर से आए हुए विभिन्न संस्थाओं के, समाजों के लोग हैं जिनको कष्ट है कि जो लेफ्टिनेंट जनरल हरप सिंह साहब, जिनको संत सैनिक जनरल के रूप में जाना जाता था और 1971 के युद्ध के वो बहादुर सिपाही थे, महावीर चक्र थे, वो संत थे, उनकी समाधि को उत्तराखंड की सरकार के आदेश पर नगर निगम ने जो सीलिंग की है और उनके लोगों से, उनके गायों से, उनके सेवकों के साथ जो दुर्व्यवहार किया है, उस सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध विभिन्न समाजों के लोग देश भर से आए हैं और ये निर्णय लिया है कि अगर एक महीने के अंदर उत्तराखंड की सरकार ने सीलिंग खोल करके ससम्मान लेट जनरल, संत जनरल हरप सिंह साहब की समाधि का ताला नहीं खोला तो देश भर में, देखिए जनरल हरप की समाधि को सील हुए पूरा आज एक महीना हो गया। हम मुख्यमंत्री से, राज्यपाल से और कई प्रमुख लोगों से मिल चुके हैं, वो सकारात्मक रूप तो बताते हैं लेकिन एक महीने में अभी तक उन्होंने कोई संज्ञान लेकर कोई कार्रवाई नहीं की है।